अब प्रश्न ये उठता है कि सक्सेस करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। मैंने पहले भी बात की है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, बट साथों साथ मैंने ये भी बात की है कि रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए। रिस्क कैसा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, यार मैं तो रिस्क अवॉइड करता हूँ, मैं तो रिस्क अवॉइड करता हूँ। इसको हम छोटे से स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक किसान था, उससे किसी ने पूछा, यार इस सीजन में तूने क्या प्लांट किया है, तूने क्या बोया है। फार्मर बोला या किसान ने बोला कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोया क्योंकि मुझे डर था इस बार बारिश नहीं होगी। बोला, अच्छा डर था बारिश नहीं होगी, तो बोला फिर क्या तुमने इस बार कॉर्न प्लांट किए हैं जो कम बारिश में भी हो सकता है। तो बोला, नहीं मुझे डर था कि कीड़े खा जाएंगे, इंसेक्ट खा जाएंगे उसको। तो बोलता, फिर तुमने इस साल किया क्या है। तो बोलता, मैंने सेफ गेम खेला है, मैंने इस साल कुछ भी प्लांट नहीं किया, ना मैं कुछ बोऊंगा ना कोई चीज खराब होगी। इट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, क्यों किसान बताना चाह रहा है कि मैंने रिस्क को अवॉइड कर दिया। आप में से भी बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम अगर सेफ गेम खेले तो रिस्क अवॉइड हो सकता। नाउ बिलीव मी, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। ये बोलते ही बहुत से फेसेस ऐसे हो जाएंगे जो इस चीज पे विश्वास नहीं करेंगे कि रिस्क अनअवॉइडेबल है, बट मैं अगले कुछ सेकंड में आपको प्रूफ कर दूंगा कि रिस्क अनअवॉइडेबल है। और सिंपल सा तरीका है इसको प्रूफ करने का कि जब हम हंसते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाफिंग इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ अपीयरिंग फूल। जब आप ज्यादा हंसते हो तो ऐसा डर है कि लोग हमें मूर्ख समझेंगे। वीपिंग इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ अपीयरिंग इमोशनल, अगर मैं रो रहा हूं तो लोग मुझे इमोशनल समझ लेंगे। लविंग इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट ब्रोकन, अगर मैं किसी को प्यार कर रहा हूं तो इसमें रिस्क है कि मेरा दिल टूट सकता है आगे चल के। होपिंग इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ गेटिंग डिस्पेयर्ड, अगर मैं किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं और फुलफिल नहीं हुई तो मुझे दुख होगा, इसका रिस्क है। ट्राइंग इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ फेलिंग, अगर मैं कुछ ट्राई कर रहा हूं तो वहां रिस्क है कि मैं उसमें फेल हो जाऊंगा। वर्किंग इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ कमिटिंग मिस्टेक, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसमें रिस्क है कि वो काम मुझसे गलत होगा। एंड सबसे बड़ा सच, जब मैं जिंदा हूं तो देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ, लिविंग इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ डाइंग। हमेशा लाइफ में डेथ का डर बना हुआ है। इसका मतलब है इन सारी सिचुएशन को आप कंबाइन करो तो यू कैन नॉट अवॉइड द रिस्क। तो रिस्क तो अवॉइड हो नहीं सकता। अब अगर रिस्क अवॉइड नहीं हो सकता है तो फिर रिस्क ले कैसे ना। बिलीव मी, रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आई रिपीट, मेक माई वर्ड्स, कॉन्सेंट्रेट हियर। रिस्क टेकिंग इज नॉट अ हजार्ड, रिस्क लेना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। नॉट टेकिंग रिस्क इज अ हजार्ड, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो ये आपको नुकसान देगा। इफ यू आर नॉट कमिटिंग मिस्टेक्स, इट मीन्स दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इट मीन्स दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट मिस्टेक। बहुत से लोगों को देखा ऑफिस में बात करेंगे, यार मेरे से कभी कोई मिस्टेक नहीं होती है, और वो हमेशा इस तरह पॉइंट करते रहते हैं कि जो काम कर रहा है उससे क्या मिस्टेक हो रही है। अगर कोई आदमी बोलता है मुझसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होती, उसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि वो आदमी काम ही नहीं कर रहा है, बिकॉज जो काम नहीं करेगा उससे मिस्टेक होगी ही नहीं। और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है, बिकॉज अब वो दूसरों को काम करते हुए देख के, दूसरों का सक्सेस देख के अपने आप में दुखी होता रहेगा। वो हमेशा दूसरों की कमी निकालता रहेगा, तो उसके पास उसका इनर टैलेंट होने के बाद भी वो लाइफ में हमेशा दुखी रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, पोजीशन आ जाए। आपने देखा होगा लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है, नेम है, फेम है, उसके बाद भी वो दुखी है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं इसको दूसरे इसमें कंसिडर करना चाहूँ कि रिस्क अनअवॉइडेबल कैसे है, एक फिशरमैन की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि एक फिशरमैन से एक आदमी सवाल पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे डेथ किए। तो बोला, वो फिश पकड़ते हुए समुंदर में बह गए, डूब गए। तो बोला, अच्छा तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे डेथ किए। तो बोला, वो भी समुंदर में बह गए, डूब गए, मछली पकड़ने गए थे वहाँ डूब गए। तो बोला, तुम्हारे ग्रैंडफादर समुंदर में डूब गए मछली पकड़ते हुए, तुम्हारे फादर मछली पकड़ते हुए डूब गए, उसके बाद भी तुम फिशिंग करते हो, तुमको भी तो मरने का डर है। बोला, हाँ डर तो है, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आपके फादर कैसे डेथ किए। तो बोले, वो रात में बेड पे सोए थे और डेथ कर गए। बोले, आपके ग्रैंडफादर। बोले, वो भी ऐसे रात में बेड पे सोए थे और डेथ कर गए। तो बोले, इसके बाद भी तुम बेड पे सोते हो।
किसान का ये सवाल पूछ सुन के वो आदमी चुप हो गया। इसका मतलब है देर इज नथिंग विच सेज यू कैन बी सेफ इन एनी सिचुएशन। हर सिचुएशन में रिस्क है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस रिस्क को छोड़ के भाग जाएं। हमें उस रिस्क को फेस करना है। सक्सेस इन्वॉल्व टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। टू टेक रिस्क वन नीड करेज। रिस्क लेने के लिए आपको करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। एंड करेज इज रिलेटिव सो द रिस्क टेकिंग। करेज और रिस्क टेकिंग दोनों इंटरलेटेड है एक तरह से। आपके पास करेज कहाँ से आएगा? आपको करेज या हिम्मत आने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत है, वो है नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। ये सारी चीज़ें आपको एक्वायर करनी होगी। इनिशियल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ये आप एक्वायर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन सिस्टम विल एंश्योर यू सक्सेस। सक्सेस तो आपको सही एटीट्यूड से ही आएगी, बट एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आप जो क्वालिफिकेशन एक्वायर करोगे या अपनी लर्निंग दुनिया में जो भी अगल बगल में उससे जो लर्न करोगे, वो आपको करेज देगा टू टेक द रिस्क, टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। नाउ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स ग्रेटेस्ट रिस्क। इन डिसीजन इज द वर्स्ट पॉलिसी, अवॉइड इट। बहुत से लोगों को लगता है कि डिसीजन मेक करेंगे, हमने कोई डिसीजन लिया तो उसमें गलती होने का चांसेस है, लोग हमें पिन पॉइंट करेंगे, इसकी वजह से वो कोई डिसीजन ही नहीं लेते। बहुत सारे ऑफिस में देखो, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफिस में, फाइल पे फाइल आते जाती है और पेंडिंग होते जाता है। क्यों? बिकॉज उनकी इन्वॉल्व है। मेरा टर्म तो सिर्फ 3 साल का है या 5 साल का है। अगर मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिस पर पॉइंट किया तो मुझे है, इससे अच्छा है कि मैं अपना टर्म स्मूथली निकालूंगा, सब चीज़ पेंडिंग रखूंगा, मेरे बाद जो आएगा वो डिसीजन लेगा। अवॉइड इट। रिस्क टेकिंग डजंट मीन गैम्बलिंग फुलिशली। अगर हम 5 डिसीजन लेते हैं तो मान के चलिए 50% डिसीजन उसमें से गलत होंगे, लेकिन गलतियों से ही तो सीखेंगे। अगर हमने डिसीजन लेना छोड़ दिया लाइफ में, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, डिसीजन तो लेना ही होगा आपको। अगर छोड़ दिया तो आपका सक्सेस वहीं पे ब्लॉक हो जाता है।